अस्सलाम वालेकुम, मैं आप तमाम पाकिस्तानी मुखातिब हूँ। मैं आज ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ यही है कि मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो लोग शुरू दिन से हमारे बारे में, हमारी बेटी के बारे में और गलत गलत बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलत बातें करते हैं, आप लोग इनके ऊपर कान मत धरें, इनकी किसी बात पे भी यकीन मत करें। और एक दिन इंशाल्लाह ताला आएगा कि ये लोग भी देखेंगे कि हमारी बेटी हमारे पास होगी। शायद ये लोग सोचे, एक बार सोच रहे हैं ये लोग कि इन्होंने क्या किया है, और ये लोग शायद सोच के थोड़ा सा इनको थोड़ा सा एहसास हो। और मैं कोई ऐसी गलत बात नहीं करना चाहती इनके बारे में भी, जिन्होंने हमें बहुत तकलीफ दी है, बहुत अज़ियत दी है, लेकिन उसके बावजूद मेरी तबीयत ऐसी नहीं है हमारी कि हम कोई गलत बात करें या हमें किसी को बददुआ भी दें। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि काश ये लोग सोचें, और ये लोग उस वक्त सोचेंगे जब बेटी हमारी इंशाल्लाह ताला हमारे पास होगी, हमारे साथ जिंदगी गुजार रही होगी, तो ये लोग सोचेंगे कि हम लोगों ने क्या किया। मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आप लोग शुरू दिन से हमारे साथ खड़े और हमें बहुत साथ दिया है, बहुत दुआएं की है, मैं जानती हूँ इस चीज का, आप लोगों के फोन और मैसेज से। मेरा भी बात करने का मकसद भी सिर्फ यही है कि हमें आपकी दुआओं की बहुत सख्त जरूरत है, मेरी बेटी को बहुत जरूरत है, बहुत छोटी, बहुत मासूम है, कभी वो एक दिन भी अकेली नहीं रही, वो बहुत तकलीफ बहुत अजियत है, हम बहुत तकलीफ बहुत अजियत है, मैं आपको बताने लगती हूँ कि हमारा दिन रात कैसे गुजरता है। एक माँ बाप जानते हैं कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, और एक माँ बाप भी समझ सकते हैं अगर उसका बच्चा बीमार हो, एक एक रात भी बीमार हो तो वो सो नहीं सकते, अपने बच्चे को टूट के देखते हैं। आप लोग तो ये जानते ही होंगे, मेरी बेटी 5 महीने से कंधे नहीं है, हमारे पास नहीं, करो एक दिन ये दे नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम, मैं तमाम पाकिस्तानी और जो पाकिस्तान से बाहर हैं सब बहन भाइयों से मुखातिब हूँ, और मैं उनसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और मैं आपसे सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आप लोग बहुत कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, हजारों के हिसाब से मैसेज और कॉलें होती हैं, लेकिन मैं माजत भी चाहती हूँ क्योंकि हम लोग इतनी कॉलें अटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हर कॉल को पिक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पॉसिबल नहीं होता। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे साथ शुभ दिन से खड़े हैं, और आप लोगों की दुआओं का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मैडी के लिए और जारा के लिए, मेरी बेटी के लिए बहुत दुआएं कर रहे हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। और मेरी बेटी आप सबकी बेटी है, और आपकी बेटी, बेटियां, बच्चे सब मेरे बच्चे हैं, और मैं आपका बहुत से भी बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप
हमारे लिए दुआएं, पहले से ज्यादा दुआएं करें, और नदी के लिए, हमारे लिए, मेरी बेटी के लिए दुआ करें, और के अल्लाह ताला खैरियत से वो घर वापस आ जाए अपने माँ बाप के पास। और डियर व्यूअर्स, औलाद का दुख और फिर इसके बिछड़ जाने का दुख, अल्लाह ताला हर वालदैन को इस दुख से महफूज फरमाए, आमीन। दुआ सारा की मदर को इस कदर दुखी देखकर मुझे बेहद दुख हुआ। बेटी से 5 माह की जुदाई ने क्या हाल कर दिया है इनका। मुकद्दर तकदीर ऊपर वाला बनाता है, और जाने क्यों लोग सोचते और समझते ही नहीं, दुखी दिलों को अपनी ज़ुबान से और घायल करते हैं। जी साहब, मेरा भी दुआ की मदद से इस बात पर इत्तफाकी राय है कि बहुत से यूट्यूबर्स ने अपने व्यूज़ और चैनल के प्रमोशन के लिए दुआ ज़ारा के मुतालिक नाकाबिले बयान ज़ुबान इस्तेमाल की, जिसका मुझे बेहद दुख है। हम किसी की ज़ुबान बंद करने से कासिर हैं, मगर मुसलमान के हाथ और ज़ुबान से किसी दूसरे मुसलमान को पहुंची तकलीफ का अजाला करना बहुत ही मुश्किल है जी। बस अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हदायत अता फरमाए जो बग़ैर तहकीक के अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल जारी रखते हैं।